वजह से एक आदमी जहन्नम में चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सिर्फ मक्खी की वजह से जन्नत में चला गया और दूसरा जहन्नम में। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी एक किबले के पास से गुजरे। इस किबले का एक बुत था जिस पर चढ़ावा चढ़ाए बगैर कोई आदमी वहाँ से नहीं गुजर सकता था। चुनाचा इनमें से एक शख्स ने कहा गया कि इस बुत पर चढ़ावा चढ़ाए। इसने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं। किबले के लोगों ने कहा, तुम्हें चढ़ावा ज़रूर चढ़ाना होगा, हवा मक्खी ही पकड़ कर चढ़ाओ। मुसाफिर ने मक्खी पकड़ी और बुत की नज़र कर दी। लोगों ने इसे जाने दिया, चुनाचा वो इस चढ़ावे की वजह से जहन्नम में चला गया। किबले के लोगों ने दूसरे आदमी से कहा, तुम भी कोई चीज़ बुत की नज़र करो। इसने कहा, मैं अल्लाह ताला अज़वजल के अलावा किसी दूसरे के नाम का चढ़ावा नहीं चढ़ाऊँगा। लोगों ने इसे कत्ल कर दिया और वो जन्नत में चला गया। मक्खी की वजह से एक आदमी जन्नत में चला गया और एक जहन्नम।